पूरा इलाका छावनी में तब्दील कर दिया गया है। कब्रिस्तान के बाहर भी पुलिस ने बैरियर लगा दिए हैं। कब्रिस्तान के अंदर मीडिया को भी जाने की परमिशन नहीं है। बता दें कि कसारी मसारी स्थित कब्रिस्तान में सुपुर्द-ए-खाक किया जाएगा अतीक के बेटे असद को। अब से कुछ ही देर बाद शव यहां पर लाया जाएगा। कब्रिस्तान के बाहर पुलिस ने पूरे इलाके को इसको पूरे छावनी में तब्दील कर दिया है। कसारी मसारी स्थित जो पैतृक गांव है, जो पैतृक कब्रगाह है, वहां पर अतीक के बेटे असद को सुपुर्द-ए-खाक किया जाएगा। अब से कुछ ही देर बाद अतीक के बेटे का परसों एनकाउंटर हुआ था और लगभग 48 घंटे से ज्यादा का वक्त लग गया प्रयागराज तक लाने में। बता दें कि पूरे इलाके को इस वक्त छावनी में तब्दील कर दिया गया है। मीडिया को भी अंदर जाने की परमिशन नहीं दी गई है। मीडिया को भी मनाही है अंदर जाने की। मीडिया कवरेज नहीं कर सकता। कसारी मसारी स्थित कब्रिस्तान में सुपुर्द-ए-खाक किया जाएगा। तैयारियां तो कल से की जा रही है लेकिन आज एनकाउंटर हुआ था असद का। और अब आज आपको बता दें कि जो पैतृक गांव है वहां पर ही सुपुर्द-ए-खाक किया जाएगा। तैयारियां पूरी हो चुकी है और जो जानकारी लगातार वहां से निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक ये बताया जा रहा है कि कुछ वक्त लग सकता है शवों को वहां पहुंचने में, उसके बाद सुपुर्द-ए-खाक किया जाएगा। हालांकि तैयारियां कल से ही हो रही थी। जो पैतृक गांव में जो तमाम परिजन थे वो पहुंचने लगे थे, भीड़ इकट्ठा होने लगी थी, आसपास के गांव से भी लोग पहुंच रहे थे और ये माना जा रहा था कि असद की मां शाइस्ता परवीन भी पहुंच सकती है। इसको लेकर पुलिस प्रशासन एकदम चौकस व्यवस्था में है। सिपाहियों को लगा दिया गया है, महिला सिपाहियों की भी तैनाती की गई है। सादी वर्दी में भी वहां पर पुलिस तैनात रहेगी। इसके साथ ही आपको बताया कि छावनी में पूरा इलाका तब्दील हो चुका है। अगर बात की जाए अतीक अहमद की तो अतीक का जो पूरा हाव भाव है अपने बेटे की मौत के बाद से, अपने बेटे के एनकाउंटर के बाद से बदल चुका है। आपने तस्वीरों में भी गौर किया होगा कि किस तरीके से जो पूरी भाव भंगिमाएं हैं असद की, माफ कीजिएगा अतीक की, वो पूरी चेंज हो गई हैं। वो जो अकड़ पहले देखी जाती थी दशकों तक, वो अकड़ अब वो दिख नहीं रही है और वो कई सवाल भी पूछ रहा है अपने बेटे के अंतिम क्रियाकलाप में वो शामिल होना चाहता है और उसने बकायदा अर्जी भी दी है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इस अर्जी को मंजूर किया जाता है पुलिस प्रशासन की तरफ से या फिर नहीं। सवाल बहुत सारे हैं इस पूरे घटनाक्रम से जुड़े हुए, जो भारत समाचार लगातार पूछ रहा है कि शाइस्ता परवीन कहाँ है, गुड्डू मुस्लिम कहाँ छुपा हुआ है, इस आतंक का अंत कब तक होगा, क्योंकि अब तक 4 शूटरों को ढेर कर दिया गया है। लेकिन कुछ और ऐसे चेहरे हैं जिन पर सभी की नजर है, जिसमें अतीक की बहन का नाम भी शामिल है जिसका नाम आयशा है। आयशा नूरी आखिरकार कहाँ है? और सवाल ये भी है कि अतीक ने हत्या का संदेश पहुंचाया कैसे? अतीक के घर का पैसा किसका है? बहुत सारे सवाल। देखिए ये तस्वीरें भी आपको लगातार दिखा रहे हैं सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरों के साथ। असद तो ढेर कर दिया गया है, गुलाम को भी ढेर कर दिया गया है। गुलाम के परिजनों ने अपने बेटे के शव को लेने से भी इनकार कर दिया है और आज पूरी प्रक्रियाओं के साथ नमाज पढ़ने के बाद सुपुर्द-ए-खाक कर दिया जाएगा। कसारी मसारी स्थित जहां पर पूरा पैतृक गांव है, पूर्वजों के शवों को जहां पर दफनाया गया था वहीं पर असद को भी दफनाया जाएगा। और देखिए भीड़ जुटनी भी अब शुरू हो चुकी है। धीरे धीरे भीड़ जुटनी शुरू हो चुकी है, बैरियर लगाया जा चुका है, किसी भी तरीके से कोई भी अराजकता ना वहां पर पनपने पाए। इसको लेकर पुलिस ने पूरी कमर कस ली है क्योंकि देखिए हाई प्रोफाइल ये पूरा मामला, इसलिए सुरक्षा से किसी भी तरह की चूक ना हो, सुरक्षा को लेकर कोई भी खिलवाड़ ना हो, इसको लेकर पुलिस प्रशासन की जो नजरें हैं वो बहुत पैनी रहेंगी। सादी वर्दी में भी पुलिस कर्मियों को डिप्लॉय कर दिया गया है, महिला पुलिस कर्मियों की भी तैनाती आप देखिए तस्वीरों में। हम लोग मांग ये है कि हम लोग भी मट्टी देखें,
बहुत परेशानी, तबीयत खराब हो रही है। जो हुआ गलत, पुलिस अधिकारी जाने नहीं दे रहे हैं। मट्टी में आए तो जाने तो दे, मट्टी तो देखने दे। सर हमको रोड से बाहर कर देती है, भागो यहाँ से, एक दीदार नहीं करने देती। पुलिस रोक रही है, जो कुछ होगा बताया हो देख। देखिए यहाँ पे सब आने वाला है, तो हम लोगों ने पर्याप्त पुलिस बल यहाँ लगाया हुआ है और उनके परिजनों को हम लोगों ने परमिट किया है। वो कुछ लोग हैं भी यहाँ, बाकी लोग उनके आ रहे हैं, तो उनका जो बच्चे का उसका दफन का कार्रवाई होनी है वो अपना करेंगे। हाँ PACRF सब लगा हुआ है, हम सब लगे हुए हैं। परिजनों को अनुमति है, परिजन आएँ और दफन की कार्रवाई अपनी वो करें। अनावश्यक भीड़ को घर पे अनुमति आने की नहीं। माफिया अतीक अहमद के बेटे असद का शव अब चकिया स्थित उनके पैतृक आवास पे ले जाने की तैयारी है और यहाँ पर सुरक्षा घेरा किस तरह से तैयार किया गया है हम तस्वीरों के जरिए दिखाना चाहेंगे। जिस तरीके से कल यहाँ पर उनके पैतृक आवास पर भारी भीड़, चाहे महिला हो पुरुष हो, भारी भीड़ लग गई थी, उसको लेकर आज पूरी पुलिस जो है चौकन्ना है। आप देख सकते हैं कि पूरा जो इलाका है छावनी में तब्दील कर दिया गया है। यहाँ जो लोग हैं अब उनके घरों में जाने की इजाज़त नहीं हो पा रही है। जो लोग यहाँ पर हैं आप देख सकते हैं कि पूरी पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखा है, उसके बाहर ही ये लोग खड़े हुए हैं। अब से माना जा रहा है कि थोड़ी देर बाद ही यहाँ पर ये शव आएगा और उसके बाद यहाँ पर उनके चकिया स्थित पैतृक आवास पर रखा जाएगा। उसके बाद कसारी मसारी इलाके में जो कब्रिस्तान है वहाँ पर सुपुर्दे खाक किया जाएगा। लेकिन अगर वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो वहाँ भी बैरिकेडिंग कर ली गई है और जो कब्रिस्तान है उसके अंदर जाने की मीडिया को इजाज़त भी नहीं है। धीरेन्द्र द्विवेदी, भारत समाचार, प्रयागराज। और इस वक्त खुद हमारे साथ धीरेन्द्र जुड़ चुके हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। धीरेन्द्र ये बताइए सबसे पहले कि ये काफिला अभी कहां पहुंचा है, अभी कितना वक्त लगेगा उस वक्त फतेहपुर में। और चलिए बड़ी खबर उससे पहले आपको बता देते हैं, असद और गुलाम के शव लेकर पुलिस प्रयागराज पहुंच चुकी है। दोनों के शव को प्रयागराज लेकर पहुंच चुकी है पुलिस। अपडेट्स यही है, झांसी से प्रयागराज लाया गया है असद और गुलाम का शव। कुछ परिजन भी मौजूद हैं कसारी मसारी कब्रिस्तान में। अब से कुछ ही देर बाद सुपुर्दे खाक होगा। सुरक्षा कारणों के चलते बताया जा रहा है कि शव को घर नहीं ले जाया जाएगा। अतीक के घर के आसपास सुरक्षा व्यवस्था और भी पुख्ता कर दी गई, मजबूत कर दी गई। जैसा कि हम बता रहे, लगातार चौकस है सुरक्षा व्यवस्था। किसी भी तरह की हीला हवाली पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती भी साबित हो सकती है। दोनों के शवों को लेकर प्रयागराज पहुंचा जा चुका है। देखिए पूरे इलाके को बताया जा रहा है कि छावनी में तब्दील कर दिया गया है। कसारी मसारी कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक किया जाएगा, जहां पर और भी पूर्वजों को दफनाया गया है। वहां पर कब्र खुदी है असद की, असद को वहीं दफनाया जाएगा, सुपुर्दे खाक किया जाएगा। पहले नमाज पढ़ी जाएगी, उसके बाद पूरे मुस्लिम रीति रिवाज से शव का अंतिम संस्कार किया जाएगा। बात करें अतीक के घर के आसपास की सुरक्षा बेहद पुख्ता है इलाके में। यह भी बताया जा रहा है कि ड्रोन से निगरानी की जा रही है। असद और गुलाम के शव लेकर पहुंची है पुलिस। हर एक एंगल से आप देखिए सुरक्षा व्यवस्था मजबूत है। और ये वही गाड़ी है जिनसे दोनों के शवों को लाया गया है प्रयागराज। पुलिस प्रशासन एकदम टाइट व्यवस्था में। आप देखिए महिला पुलिसकर्मियों की भी तैनाती की गई। माना जा रहा है कि शाइस्ता परवीन भी अपने बेटे के इंतकाल होने के बाद सुपुर्दे खाक की रस्म में वो शामिल हो सकती है। शव को सीधे लेकर कब्रिस्तान ही जाया जाएगा कसारी मसार स्थित। और यह भी बताया जा रहा है कि सुरक्षा कारणों के चलते दोनों शवों को घर नहीं ले जाया जाएगा। तीख के घर के आसपास की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। शव वाहन को आप देख रहे हैं तस्वीर में, ये वही शव वाहन है जिससे दोनों के शवों को लाया गया है कब्रिस्तान। दोनों के शव पहुंच चुके हैं। पहले ये बताया जा रहा था कि चकिया स्थित उनके घर ले जाया जाएगा, पैतृक निवास ले जाया जाएगा, लेकिन अब सीधे कब्रिस्तान दोनों के शवों को लाया गया। ये देखिए सीधे तस्वीरें आप देख रहे हैं प्रयागराज से असद को ले जाया जा रहा है कब्रगाह के पास। कसारी मसारी के कब्रिस्तान में दोनों के शव पहुंच चुके हैं। पुलिस प्रशासन है वहां पर, पूरा मौजूद है। पूरे इलाके को छावनी में तब्दील किया गया है। सुरक्षा कारणों से किसी भी तरीके की हीला वाली बरती ना जाए, इसको लेकर जो व्यवस्थाएं हैं चाक चौबंद है और ड्रोन तक से निगरानी की जा रही है।
बॉडी भी पहुंच चुकी है। शव वाहन आप देख रहे हैं, इसी शव वाहन से दोनों के शवों को लाया गया है। अब अंतिम प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। सीधी तस्वीरें आपके सामने। उमेश पाल हत्याकांड के फरार आरोपी और माफिया अतीक अहमद का बेटा असद अहमद, अब से कुछ ही देर बाद उसका सुपुर्द खाक होगा। और धीरेंद्र हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, बने हुए हैं। धीरेंद्र का रुख करेंगे। धीरेंद्र, तस्वीरें दिख रही है इस वक्त, हम दिखा रहे हैं दर्शकों को, जो शव है ले आए गए हैं, अब सुपुर्द खाक करने की जो आखिरी प्रक्रिया है उसकी शुरुआत हो गई है। धीरेंद्र, आपको आवाज मिल रही है मेरी? उन तक फिलहाल आवाज नहीं पहुंच पा रही है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये कसारी मसारी का कब्रिस्तान है जहां पर इससे पहले अतीक के और भी पूर्वजों को इसी कब्रगाह में दफनाया गया। धीरेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धीरेंद्र, तस्वीरें दिखा रहे हैं और बेहतर आप समझा पाएंगे, बताइए। धीरेंद्र, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? चलिए, उनसे फिलहाल संपर्क हो नहीं पा रहा है। संपर्क साधने की कोशिश हम कर रहे हैं लगातार अपने सहयोगी। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, इससे पहले शव वाहन से गुलाम और असद दोनों के शवों को लाया गया था। झांसी में इनका एनकाउंटर हुआ था, सीधे कब्रिस्तान यहाँ पर असद और गुलाम का शव पहुंचा। इससे पहले पैतृक गांव ले जाने की बात हो रही थी, परिजनों का भी हुजूम वहां पर उमड़ पड़ा था, लेकिन बताया जा रहा है कि सुरक्षा कारणों के चलते शवों को उनके घर नहीं ले जाया गया, उनके पैतृक गांव नहीं ले जाया गया, सीधे कब्रिस्तान पहुंचा है असद और गुलाम का शव, जहां पर मुस्लिम रीति रिवाजों के मुताबिक जो प्रक्रियाओं का पालन होता है उनको निर्वहन करते हुए शवों को सुपुर्द खाक किया जाएगा मिट्टी में। दोनों के शव फिलहाल पहुंच चुके हैं सीधे कब्रिस्तान। कुछ नजदीकी लोग शामिल हो सकते हैं, हमारे सहयोगी धीरेंद्र मौजूद हैं, जानकारी देंगे। धीरेंद्र, तस्वीरें दिख रही है, कौन कौन मौजूद है इस वक्त? देखिए, जो असद है उनका जो शव है वो पहले यहाँ पर जो अतीक अहमद का पैतृक आवास था वहां पर लाए जाने की बात थी और सुरक्षा का कड़ा पहरा हो गया था। यहाँ पर धीरे धीरे लोगों की भीड़ जुटना शुरू हो गई थी, महिलाएं यहाँ पर आना शुरू हो गई थी, लेकिन देख रहे हैं कि जिस तरीके से पुलिस का कड़ा पहरा था, यहाँ पर जो लोग शव में शामिल होना चाहते थे उनको यहाँ से हटा दिया गया है। भारी भीड़ को देखते हुए अब शव सीधे जो कसारी मसारी का कब्रिस्तान है वहां पर ले जाया गया है। उनके जो नाना है वो वहाँ पर जो प्रक्रिया होती है मुस्लिम रीति रिवाज के साथ ही उस प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। उसके बाद उसी कसारी मसारी इलाके के जो कब्रिस्तान है उसी में ही मस्जिद है, उसी में जनाजे की नमाज अदा की जाएगी। उसके बाद क्योंकि कब्र कल ही तैयार कर ली गई थी तो अब उस कब्र में जो सुपुर्द खाक की बात कही जा रही है, अब जो मुस्लिम रीति रिवाज है उसके तहत मीडिया को भी एक निश्चित पाबंदी के साथ बैन कर दिया गया है। मीडिया वहां पर कवरेज नहीं कर सकता है, एक दायरा निश्चित कर दिया है मीडिया के लिए भी। देखिए, जो कब्रिस्तान का मुख्य गेट है उस गेट से करीब 10 मीटर पहले ही पुलिस ने पूरी तरीके से बैरिकेड कर लिया गया है और किसी भी मीडिया कर्मी को अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई है। हालांकि जो उस जनाजे में उस प्रक्रिया में जो रीति रिवाज में शामिल होने की बात कह रहे हैं वो अगर वहां जाना चाहते हैं तो उनको इजाजत जरूर है। जो इनके सगे संबंधी हैं या रिश्तेदार हैं अगर वो जाना चाहेंगे तो उनके लिए अनुमति है, लेकिन मीडिया के लिए पूरी तरीके से पाबंदी। अच्छा, पहले ये सोचा जा रहा था, लोग सोच रहे थे कि माँ पहुंचेगी, शाइस्ता परवीन पहुंचेगी, क्या ऐसी कोई खबर है कि पहुंच पाई है शाइस्ता परवीन? देखिए, जो हमारी पुलिस अधिकारियों से बात हुई तो उन्होंने इस बात से सीधे इनकार कर दिया है कि इस तरह की कोई जानकारी पुलिस को नहीं है। लेकिन जिस तरह हमारे सूत्र बताते हैं कि यहाँ पर अगर घर पे चकिया स्थित आवास पे अगर जिस तरीके से कल भीड़ थी और ज्यादातर उसमें महिलाओं की भीड़ थी तो उस महिलाओं की भीड़ में अब शाइस्ता परवीन के आने की बात कही जा रही थी, लेकिन जिस तरीके से उनके चकिया स्थित आवास पे जितने लोग वहां पर थे सभी को हटा दिया गया है। दूर
से ही बैरिकेटिंग कर दी गई है, किसी को भी वहां पर जाने की इजाजत नहीं है। आपको तस्वीरों के जरिए हम दिखाएंगे कि देख सकते हैं कि पुलिस की बैरिकेटिंग है और यहां से किसी को जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। पुलिस का पहरा बैठा दिया गया है। जो लोग जाना भी चाहते हैं, आप देखिए सामने कुछ महिलाएं हैं, वो वहां पर जाना चाहती थी, लेकिन अब चूंकि पुलिस का पहरा हो गया है और सौ भी अब उनके जो चकिया स्थित आवास है वहां पर नहीं लाया गया है, तो जो अंतिम झलक देखने की असर को इन आसपास के लोगों की उम्मीद थी कि हम उस अंतिम शव यात्रा का जो उनका मुस्लिम रीति रिवाज के साथ जो कर्म क्रियाकर्म होता है उसको करने की बात कही जा रही थी और उसमें शामिल होने के लिए कल से ही भारी भीड़ उठी थी, रात तक यहां पर भीड़ रही है। लेकिन जिस तरीके से सुबह से ही पुलिस का तस्वीरों में दिख रहा है, ड्रोन से भी निगरानी बकायदा की जा रही है, आप जैसा कि बता रहे तस्वीरों में भी दिख रहा है, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा तैनात है, छावनी में पूरा इलाका पूरा एरिया तब्दील कर दिया गया है। देखिए धीरेन्द्र, सवाल सभी के जहन में यही है कि निकटतम कौन है सबसे ज्यादा, नाना का आप जिक्र कर रहे हैं, परिजनों में और भी सबसे ज्यादा निकटतम कौन है? देखिए जो उनके फूफा हैं डॉक्टर उस्मान जो गए हुए थे झांसी, वो शव लेकर वो यहाँ पर प्रयागराज आए हुए हैं, उनके नाना और उनके मौसा जिस तरीके से कल जाने की बात सामने आ रही थी लेकिन वो गए नहीं, लेकिन आज यहाँ पर उनके चकिया स्थित आवास पर वो थे। जब उन्होंने हमने उनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने बताया था कि जिस तरीके से मुस्लिम रीति रिवाज होती है उस रीति रिवाज के तहत हम शव में शामिल हो रहे हैं, तो उनके अब परिजन तो कोई बचा नहीं, क्योंकि परिजन की बात किया जाए तो अतीक और अशरफ ये दोनों पुलिस कस्टडी में है, उनका जो बड़ा भाई उमर है वो जेल में है, उससे जो छोटा भाई अली है वो जेल में है, और दो नाबालिग भाई है वो बाल सुधार गृह में है, जो माँ साइस्ता परवीन है वो 50,000 का इनाम उन पर है वो फरार चल रही है, और जैनब जो अशरफ की पत्नी है और असद की चाची है वो भी फरार चल रही है, उनकी बुआ वो भी फरार चल रही है, तो इनके घर के जितने भी सदस्य हैं पूरी तरीके से कानून के शिकंजे में हैं, तो अब उनके घर का तो कोई नहीं है, लेकिन जो रिश्तेदार हैं जैसे नाना है मौसा है फूफा है ये लोग इस उसमें शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, देखिए धीरेन्द्र सवाल यही है कि अतीक ने पहले अर्जी दी थी कि वो भी जनाजे में शामिल होना चाहता है, लेकिन अर्जी शायद मंजूर नहीं की गई, और सुरक्षा कारण भी बहुत, और तस्वीरें वो भी हमने अपने दर्शकों को धीरेन्द्र दिखाई, जब मीडिया ने सवाल पूछा अतीक से तो एक शब्द नहीं दिखा, शब्द बोलता नहीं दिखा, लेकिन उदासी थी वो चेहरे से साफ झलक रही थी। देखिए कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की गई थी कि जो अतीक अहमद के वकीलों की तरफ से कि अतीक अहमद अपने बेटे असद के उसमें अंतिम संस्कार में वो शामिल होना चाहता था, कल चूंकि छुट्टी थी और जुडिशियल रिमांड मजिस्ट्रेट के यहाँ वो प्रार्थना पत्र दिया था, उन्होंने कहा कि ये मेरे जुडिशन में नहीं है, आज उस पूरे मामले में सुनवाई होना है और उनके परिजनों को हम लोगों ने परमिट किया है, वो कुछ लोग हैं भी हैं बाकी लोग उनके आ रहे हैं, तो उनका जो बच्चे का उसका दफन उसका कार्रवाई होनी है वो हाँ PCRF तब लगा हुआ है, हम सब लगे हुए कि परिजनों को अनुमति है परिजन आए और दफन की कार्रवाई हम कर रहे हैं, अनावश्यक भीड़ को घर से अनुमति आने की नहीं। मोहल्ले वालों का कहना है कि असद का बच्चा हम लोगों के सामने तो बहुत शामिल हो सकते हैं, जो जाए कब्रिस्तान में जाए शामिल, कितने लोगों को यहाँ पर परमिशन मिली है, परिजन जो भी आएंगे उनके 10-15-20 जो भी आएंगे ऐसी उम्मीद जताई जा रही है पर नहीं ऐसी कोई हम लोगों पर इनपुट। अच्छा कब्रिस्तान में किस तरह के सुरक्षा बंदोबस्त, वो वहाँ के लोग बता पाएंगे, बैरिकेड कर दिया जाए वहाँ पर, अब वो तो सुरक्षा के लिहाज से चीजें करनी पड़ती है। Thank you. था कि सुरक्षा कारणों का हवाला इसके पीछे था, सुरक्षा कारणों का